यूपी के बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में 23 वर्षीय पुरुष के गंभीर पेल्विस फ्रैक्चर का सफल ऑपरेशन डॉक्टर जुबेर अहमद व उनकी टीम द्वारा किया गया। डॉक्टर जुबेर कैली स्थित मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक विभाग में सहायक प्राचार्य हैं और वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एआर खान के सुपुत्र हैं। डॉक्टर जुबेर ने बताया कि इस युवक को 2 सप्ताह पहले चंडीगढ़ में चोट लगी थी, जिसके लिए पीजीआई चंडीगढ़ में यही ऑपरेशन बोला गया था। बस्ती का मूल निवासी और डॉक्टर साहब के बारे में जानने की वजह से ये बस्ती आया और यहाँ मेडिकल कॉलेज में इसका सफल ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? सर प्रमोद तिवारी। अभी ये कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है आपका आज कैली हॉस्पिटल और चिकित्सालय कैली में। जी जी। कैसा रहा ऑपरेशन, क्या कुछ कहेंगे? सर ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल था, कोई दर्द नहीं हुआ। हाँ बहुत बढ़िया काम हुआ है। कौन से डॉक्टर की? डॉक्टर सर जुबेर अहमद। परेशानी नहीं हो रही है? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। क्या कहे डॉक्टर साहब, कितने दिन में चलने फिरने लगे? डॉक्टर साहब बोले हैं आपको 1 हफ्ते ज्यादा ज्यादा लगेंगे, बस एक हफ्ते। जी क्या कहते हैं, अभी ओपेक हॉस्पिटल कैली में एक पेल्विक इंजरी थी, काफी ज्यादा ही क्रश इंजरी थी वो, उसका ऑपरेशन हुआ है कल 6 घंटे के आसपास था, ब्लैडर भी उसमें इंजर्ड था, तो मेरी टीम और जनरल सर्जरी की हेल्प से हमने ऑपरेशन किया। लगभग सर जो है क्या हो, कितना परेशानी वो झेला ये भी बताया कि काफी कई हॉस्पिटल में वो जाके जो है गया भटका, उसके बाद आपसे कैसे संपर्क हुआ? उसको चोट तो ऐसे लुधियाना में लगी थी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, किसी रिवर्स करते हुए कार ने उसके कूल्हे पे मार दिया था जी। तो वहां से वो पीजीआई चंडीगढ़ गया, लेकिन क्योंकि बस्ती का मूल निवासी था इसलिए उसको यहीं आना था तीमारदारों की वजह से, तो बस्ती में आया तो कई जगह फिर भटका, लेकिन किसी ने भी वो केस लिया नहीं, वो केस इतना ही टफ था कि वो कहीं आसानी से होने वाला था नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।